तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक वाली पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड कुछ अपडेट्स लेकर आया हूं। काफ़ी लंबे समय से स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन 3 मल्टीवर्स से डील करने वाली है और स्पाइडरमैन 3 टोन में काफ़ी कुछ स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की मूवी की तरह होगी, जो कि सोनी की मूवी थी जो 2019 में आई थी। अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा है तो जाकर उस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि वो सच में एक कमाल की मूवी है। स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स से डील करने की वजह से काफ़ी लंबे समय से ये रूमर्स आ रहे थे कि टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड, जो कि पहले सोनी की मूवीज़ में स्पाइडरमैन का रोल प्ले कर चुके हैं, वो हमारे को स्पाइडरमैन 3 में देखने को मिल सकते हैं। कई सोर्सेज तो यहाँ तक भी कंफर्म कर चुके थे कि वो अपने रोल के लिए शूटिंग शुरू कर चुके हैं और हो सकता है कि उनकी शूटिंग जल्दी एंड भी हो जाए। पर एक बहुत ही रिसेंटली हुए हुए इंटरव्यू में टॉम हॉलैंड ने कहा है कि ये सभी बस रूमर्स हैं और उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यानी कि वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन 3 में हमें देखने को नहीं मिलेंगी। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि स्टार्स को अपनी मूवीज़ के बारे में सीक्रेट रखने होते हैं। वो पब्लिकली ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं बोल सकते जो मार्वल ने उन्हें बोलने के लिए मना किया हो। और हो सकता है टॉम हॉलैंड को इस बारे में पहले ही बोल दिया गया हो कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, इसीलिए वो हो सकता है इस बारे में झूठ भी बोल रहे हों। टोबी मैग्वायर की स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन, इन दोनों को ही एंडिंग्स नहीं मिली थी, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मार्वल इन मूवीज़ को भी रैप अप करना चाहे। भले ही ये मूवी सोनी ने बनाई हो, पर मार्वल के केविन फाइगी हर तरीके के यूनिवर्स को एक साथ लाना चाहते हैं, जो कि मार्वल के अंदर फॉल करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि टॉम हॉलैंड ने जो कहा वो सही नहीं है। जेमी फॉक्स, जिन्होंने अमेजिंग स्पाइडरमैन में इलेक्ट्रो का रोल प्ले किया था, वो हमारे को स्पाइडरमैन 3 में देखने को मिलने वाले हैं, और ये बात मार्वल स्टूडियोज पहले ही कन्फर्म कर चुका है। यही नहीं, एल्फ्रेड मोरिना, जिन्होंने डॉक्टर ऑक्टोपस का रोल प्ले किया था, वो भी स्पाइडरमैन 3 में हमें देखने को मिलने वाले हैं। ये दोनों ही अलग अलग स्पाइडरमैन के यूनिवर्सिस में फॉल करते हैं। जेमी फॉक्स एंड्रू गारफील्ड की मूवी में थे और एल्फ्रेड मोरिना टोबी मैग्वायर की मूवीज़ में थे, और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये दोनों अलग अलग यूनिवर्स में फॉल करते हैं। तो अगर ये दोनों हमारे को एक मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं कि इनके यूनिवर्स के स्पाइडरमैन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रही है, जिससे टॉम हॉलैंड की बात भी सच हो सकती है, वो ये है कि हो सकता है कि इन दोनों यूनिवर्स के स्पाइडरमैन मारे जा चुके हों, और हो सकता है इसीलिए हमारे को वो दोनों स्पाइडरमैन इस मूवी में देखने को ना मिलें। ये बात हम सभी जानते हैं कि मार्वल में टॉम हॉलैंड और मार्क रफलो, इन दोनों की स्पॉयलर्स को लेकर इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ये टाइम टाइम पर स्पॉयलर्स देते रहते हैं। तो ये हो सकता है कि टॉम हॉलैंड ने इस बारे में इसीलिए सच ना बोला हो कि उनसे कोई और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। पर दोस्तों, हमें अभी होप लूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पाइडरमैन दिसंबर में आने वाली है, तो ये भी हो सकता है कि टॉम हॉलैंड सच बोल रहे हों, क्योंकि हो सकता है इन तीनों स्पाइडरमैन के बीच में जो शूटिंग होने वाली हो वो अभी ना हुई हो, यानी कि वो आगे वाले महीनों में होने वाली हो। एज ए फैन, हम सभी लोग ये चाहते हैं कि ये सभी के सभी स्पाइडरमैन हमें एक फ्रेम में देखने को मिलें। और अब जब MCU में मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे नहीं लगता कि मार्वल इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना चाहेगा, और वैसे भी टोनी स्टार्क के मारे जाने के बाद स्पाइडरमैन को एक मेंटोर की ज़रूरत है, तो हो सकता है मल्टीवर्स के स्पाइडरमैन में से एक टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का मेंटोर बन सके। पर दोस्तों, ये सभी बस मेरी प्रेडिक्शंस हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा ये मुझे भी नहीं पता। पर अब बात करते हैं कि टॉम हॉलैंड ने ऐसा क्या कहा। जब टॉम हॉलैंड से पूछा गया कि टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड क्या उनके स्पाइडरमैन में हमें देखने को मिलेंगे, तो उन्होंने कुछ ये कहा, नो, दे विल नॉट बी अपेयरिंग इन दिस फिल्म अनलेस दे हैव हिडन द मोस्ट मैसिव पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मी, विच आई थिंक इज टू बिग ऑफ ए सीक्रेट फॉर देम टू कीप फ्रॉम मी, बट एज ऑफ येट नो, इट विल बी ए कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पाइडरमैन मूवीज दैट वी हैव बीन मेकिंग। हालांकि इस इंटरव्यू में टॉम हॉलैंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि जो बात वो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि उनके हिसाब से मार्वल उनसे इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं छुपा सकता। ये एक लीड एक्टर से छुपाए जाने के लिए एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और टॉम हॉलैंड के हिसाब से स्पाइडरमैन का ये सिर्फ थर्ड पार्ट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसमें हमें कोई और स्पाइडरमैन देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, इस बारे में मुझे 100% श्योर तो नहीं है, पर मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें मार्वल के ही एक एक्टर ने बताया था कि वो सारी की सारी शूटिंग ग्रीन स्क्रीन के सामने करते हैं, तो कई बार उन्हें भी नहीं पता होता कि उनके सामने कौन खड़ा है, उन्हें सिर्फ अपने डायलॉग बोलने होते हैं। तो क्या पता टॉम हॉलैंड सच बोल रहे हों और उनके सामने टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड ना आए हों, और उनके हिसाब से हो सकता है वो मूवी में ही ना हो, क्योंकि उनके सीन्स की शूटिंग बिल्कुल सेपरेटली हुई हो। पर दोस्तों, ये सिर्फ मेरी प्रेडिक्शंस हैं कि क्या हुआ हो सकता है, इसमें कुछ भी सच्चाई हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी दूसरे स्पाइडरमैन को मूवी में देखना चाहेंगे या फिर नहीं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ऐसी ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों,
और थैंक्स फॉर वॉचिंग।